वहाँ के हालात ख़राब हैं, आप सेफ हैं या नहीं, हमें जवाब दें, ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो मैं आ गई हूँ आलन में, जहाँ से मैंने व्लॉग को एंड किया था उसके बाद से ही जो है ना मेरा ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो ये जो व्लॉग है ये मेरा पूरा रात तक चलेगा, तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना परवेज़ आ गया था मुझे लेने के लिए, बस के आने से आधा घंटा पहले ही वो आकर रुक गया था, क्योंकि मुझे ना पता नहीं चल रहा था कि बस पहुँची कहाँ तक है, क्योंकि बस का जो अराइवल टाइम था वो 4:30 बजे का था और 4:30 बजे तो ना हम आई थिंक अक्कलकोट से थोड़ा सा आगे आ गए थे, यानी कि आलन से हम काफ़ी दूर थे, आधा घंटा हम दूर थे, तो इसलिए जो है ना ये आधा घंटा पहले ही आ गया था। और देखिए यहाँ पर जो है ना जोहे बैठते ही मामू की गोद में रोने लग गए थे, क्योंकि नया नया है ना तो बच्चे थोड़ा सा ना रोने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग निकल गए हैं गाँव के लिए, तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, हम लोग आए थे 5 बजे के समथिंग, 5:15 बजे हम लोग आए थे, और अभी जो है ना रेस्ट वगैरह करने के बाद मैं उठ गई हूँ और ये सुबह के 8 बज रहे हैं। मौसम जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया है और यहाँ पर जो है ना धूप थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मतलब अप्रैल मई में थोड़ा ज़्यादा ही कड़क धूप होती है, अब थोड़ी थोड़ी लगने लगी है धूप, यानी कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया ऐसे फील हो रहा है। और ये है हमारा बकरा जिसकी आज नियाज है, तो आज हम लोग आए हैं अपने घर नियाज के लिए। मेरे अम्मी ने जो है ना 11वीं शरीफ की नियाज नहीं की थी, क्योंकि हम लोग कोई थे नहीं घर पर, तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, उन्होंने सोचा कि अभी सब आ जाएंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि अगर घर में बेटियां होंगी सब होंगी तो ही कोई चीज़ करने में मज़ा आएगा, अदरवाइज़ जो है ऐसे होता है कि मतलब खाली खाली सा लगता है ना, खालीपन सा, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। और अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर बैठे हैं चाय पीने के लिए, और ये देखिए अब्बा जो है ना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको ना वो तेज़ कर रहे थे, और मैं भी यहाँ पर इमाद को बोल रही हूँ कि ब्रश कर लो, घर में तो जो है ना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को कि ब्रश कर लो, लेकिन यहाँ पर जो है ना हिमात बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, उनको जो है ना मुझे ब्रश रोज़ उठ के देना पड़ता है कि ब्रश कर लो, जब तक मैं दूंगी नहीं ये ब्रश करेंगे नहीं। और ये देखिए है हमारी चाय, तो अभी हम लोग जो है ना चाय टोस्ट ले रहे हैं सुबह का, तो चलिए आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would. तो यहाँ पर जो है ना नाश्ते की तैयारी हो रही है, जो मुरमुरे होते हैं पफ्ड राइस उसका सुसला बन रहा है, कई बार मैंने इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर शेयर की है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर जो है ना आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी और मेरी बहन मिलकर बना रहे हैं, मेरी बहन ने जो है ना सब्ज़ियाँ काट ली है, जो भी प्याज टमाटर वगैरह लगते हैं ना बघार में डालने के लिए वो उसने कट कर लिया है, तो अम्मी यहाँ पर इसको भिगो कर दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा ईजी हो जाता है ना अगर कोई हमारी हेल्प करने के लिए होता है पकाने के लिए, अदरवाइज़ अकेले करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। Would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. देखिए 10 बज रहे हैं और अभी हम लोग बैठे हैं नाश्ता करने के लिए।
तो अभी जो है ना दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैंने यहाँ का पोछा लगा लिया था क्योंकि जो मेरी दोनों बहनें हैं ना वो काम में लगी हुई थी, वो तैयारी कर रही थी आज की जो नियाज होने वाली है उसमें जो चीज़ें लग रही है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है ना ये रोटियों का जो मलिदा होता है ना वो बनता है और बिरयानी वगैरह बनती है, तो ये जो है ये सारे काम मेरी बहनें कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं ऊपर के जो भी काम है ना सफाई वगैरह वो मैं निपटा लेती हूँ, तो मैं बस सफाई देख रही हूँ और ये लोग लगे हुए हैं अपनी मलिदा बनाने के लिए। ईजी हो जाता है अगर हम मलिदे को बनाकर बाद में जो है मिक्सर में पीस लेते हैं तो। और हमने जो है ना गेहूं के आटे का बनाया है, उसमें सिंपली हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको रवा मिक्स कर लिया था, ज़ीरा बोल रही हूँ सॉरी, रवा मिक्स कर लिया था। कुछ लोग जो है ना सिर्फ रवे के बनाते हैं तो मुझे वो रवे का जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे इस तरह से जो रोटी और रवा मिक्स होता है ना उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह का मलिदा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी दोनों बहनें लगी हुई हैं बनाने में। तो सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना अब मैं फ्रेश होकर आई हूँ और अब मैं यहाँ पर आपसे बात करने लगी हूँ, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ है, बच्चे इतने शोर कर रहे हैं ना कि बिल्कुल भी मेरी आवाज़ आप लोगों तक आएगी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको म्यूट कर दिया था। वहीं मैं आप लोगों से जो है ना थोड़ा सा बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि यहाँ पर जो है ना अभी बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है, अम्मी जो है ना चूल्हा सेट कर रहे थे तो उसी की यहाँ पर तैयारी चल रही है और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अभी हम लोगों को ना सिर्फ बिरयानी बनाना है क्योंकि दालचा वगैरह हम लोगों ने सारा बना लिया है, जो भी सूखा वगैरह होता है ना गोश्त का वो सारा बना लिया है, बस बिरयानी बनाने की यहाँ पर तैयारी हो रही थी। और आप देख रहे हो अभी हम लोगों ने जो है ना बिरयानी बनाने के लिए रख दिया है और ऊपर से जो है ना मेरे अम्मी यहाँ पर गोश्त डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आज खाना मेरे अम्मी और मेरी बहन मिलकर बना रहे हैं तो ये इनकी रेसिपी है, ये ऊपर से जो है ना इस तरह से गोश्त डालते हैं तो ये इनका तरीका है, मैं ऐसे नहीं डालती हूँ, मैं बघार में डालती हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पर बन रही है पुलाव बन रहा है, वैसे तो हमारे यहाँ पर इसको बिरयानी बोलते हैं कर्नाटक में। और मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि मैं गांव क्यों आई हूँ, लास्ट व्लॉग में जो है ना बहुत से मुझे कमेंट आए थे कि आप अचानक गांव से क्यों, मतलब अचानक क्यों गांव आए, तो अचानक तो मैं नहीं आई हूँ, मेरा प्लान था कि मैं अजमेर शरीफ जाने के बाद में आऊँगी, लेकिन फिर जो है ना मेरी बहनों का जब प्लान हुआ कि वो आएँगे तब मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ना रहना अच्छा नहीं लगता है, मैं जब अकेले आती हूँ ना तो मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं आऊँ तो मेरी बहनें साथ में हों, तो इसलिए मेरी जो सेकेंड नंबर वाली बहन है उसके भी आने की प्लानिंग चल रही थी, तो उसका जब फाइनल हुआ कि वो आएगी तो मैंने जो है ना अपना फाइनल कर लिया कि ठीक है चलो मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे हस्बैंड मुझे भेज देते हैं जब भी मैं बोलती हूँ उनको कि मुझे जाना है, तो वो तो जो है ना मुझे रातों रात भेज देंगे। मैं उनसे ना मजाक भी कर रही थी जब हम लोग बस स्टॉप पर रुके हुए थे ना, क्योंकि क्या हुआ था जब हम लोग अजमेर से वापस आए थे ना तो मेरी भांजी मुझे बोलने लगी कि उमानी अगर आप बोल दोगे ना मामा को कि अभी मैं जाऊँगी तो मामा आपको मना कर देंगे, क्योंकि अब बहुत हम लोग जो है ना ऑलरेडी खर्चा करके आए हैं, तो फिर मैंने जो है ना उसके सामने उनसे पूछा था कि अभी मैं गाँव जाने के लिए बोलूँगी तो आप जाने देंगे क्या, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ ठीक है तुम चले जाना। तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे भेज देते हैं जब भी मैं बोलती हूँ। खाना हम लोगों का बन गया है तो अभी जस्ट हम लोग बैठे हैं क्योंकि फातिहा अभी तक नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर अभी चाय पी रही हूँ क्योंकि सुबह से चाय मिली नहीं है, क्योंकि किसी को फुर्सत ही नहीं मिली कि चाय बनाए, सुबह से लगे हुए हैं। तो अभी जो है ना बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश कराना है, और मैंने जोहेब और इमाद को सुबह में ही कपड़े पहनाए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्रेश कराऊँगी। क्या चॉकलेट? क्या चाहिए? चॉकलेट। चॉकलेट यहाँ पे नहीं मिलता बेटा, यहाँ पे ना दुकान बहुत दूर है, बच्चों को दुकान नहीं, यहाँ पे पास में पर हम लोग साथ जाओ बोलता بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما तो अभी खाना बन गया है और फातिहा भी हो गई है, तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि खाना हम जो है ना नमाज़ के बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी जस्ट मगरिब का टाइम हो रहा है ना तो मगरिब की नमाज़ के बाद में खाना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ना बच्चों को खिलाएंगे क्योंकि बच्चों को ना बहुत भूख लग रही है।
तो अभी यहाँ पर जो है ना सब लोग खाना खा रहे हैं। तो अभी जो है ना पहले बैठे हैं लड़के लोग बैठे हैं, उसके बाद जो है ना सारी जो लेडीज़ वगैरह है ना वो बैठेंगी। तो अभी जो है ना मेरे जो भाई हैं उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो उन लोगों को बिठा दिया था खाने के लिए, और ये लोग ना यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया है ना तो सब लोग देख रहे थे, और मैं इनको बोल रही थी कि जिसको भी जो है यूट्यूब पर आना है जल्दी जल्दी ऊपर देख लो, क्योंकि ये लोग सब जो है ना मेरे वीडियोज़ देखते हैं। और मतलब अब तो जो है ना मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट 90% लोग तो देखते ही हैं, मेरे गांव से भी देखते हैं, और मेरी जो जितनी फैमिली है ना वो सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, ये लोग भी देखते हैं। तो वो मैं इनको यही बोल रही थी कि जिसको भी आना है जल्दी से देख लो, अदरवाइज़ फिर कल की वीडियो में ये मत बोलना कि हम लोग वीडियो में नहीं आए हैं। और यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि ना हम लोगों को भी भूख लग रही थी और सारे लोगों का खाना जो है ना हो गया था। और मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि वो जो पिंक वाला ड्रेस है उसको जो है ना मैंने थोड़ा सा अल्टर कर लिया था, तो उसका जो लुक था ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मुझे उसको सही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस ना सिर्फ आधे घंटे के लिए पहन लिया था। और अभी हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं खाना, तो चलिए आप भी आइएगा हमारे साथ खाना खाने के लिए। और कौन कौन ग्यारहवीं शरीफ की नियाज करता है और किसने जो है ना इस मंथ में किया है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे कल से ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपके गांव की जो है ना हालत ख़राब है, तो आप लोग सेफ हैं या नहीं है, तो उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने आगे आप लोगों से बात की है। तो चलिए मैं आप लोगों से ना आगे मिलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आज है फ्राइडे और अब जो है ना मैं नमाज़ पढ़ने के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ना दो तीन दिन से मैं इतनी बिजी थी कि मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दे पाई, और मैंने अपना YT भी चेक नहीं किया। अब मैं जाकर मैंने अपना स्टूडियो चेक किया है, तो वहाँ पर जो है ना ढेर सारे कमेंट मुझे मिले हैं कि आप गाँव क्यों आए हैं, गाँव क्यों आए हैं। ये तो कमेंट मुझे बहुत पहले से आ रहे थे, जब मैंने आपसे के साथ शेयर किया था ना कि मैं गाँव आ गई हूँ, तभी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप गाँव क्यों आए हैं। लेकिन कल से जो है ना मुझे कंटिन्यूस ये कमेंट आ रहे हैं कि वहाँ के हालात ख़राब हैं, आप सेफ हैं या नहीं हमें जवाब दें, ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ना वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ के हालात के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जो भी आप लोगों ने सुना है न्यूज़ में कि यहाँ के आलन के हालात ख़राब हैं, तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कल मैं गई थी, मेरा ना एक प्रोडक्ट आने वाला था जिसका ऑपरेशन करने के लिए ना आपको टाइम पर वीडियो देना होता है, तो दो तीन प्रोडक्ट मेरे थे वो मुझे रिसीव होने वाले थे पुणे में, लेकिन मैं यहाँ पर आ गई थी और मुझे उनके वीडियोज़ बनाकर देना था, मुझ पर ना प्रेशर आ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप वहाँ से भेज देना, मैं रिसीव कर लूँगी। मैंने उनको बोल तो दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना 1 तारीख से कर्फ्यू लगा हुआ है, 1 तारीख से आज 4 तारीख है, और यहाँ पर जो है ना पूरी जो मार्केट वगैरह है सारा सब कुछ बंद है, और लोगों को ना उठा उठा कर मैंने सुना है कि घरों से भी लोगों को उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी यहाँ की हालात है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालात है, मैं बता नहीं सकती ज़्यादा, मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकती कि क्या है किस वजह से। अगर आपको जानना है आलम के बारे में क्या हो रहा है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बताई थी मेरे प्रोडक्ट रिसीव होने वाले थे, तो कल मैं गई थी वो लेने के लिए, तो मैं जो है ना इस तरह से हथेली में जान पकड़ कर बोलते हैं ना उस तरह से चली गई थी, क्योंकि ना लड़के वगैरह हैं उनको जो है ना पुलिस लेकर जा रही है, तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी सोचने की बात ये थी कि मैं परवेज़ को लेकर गई थी साथ में, और हम लोग गए थे रात को 4 बजे, क्योंकि हमारी बस आई थी रात को 4:30 बजे के समथिंग। तो मेरी बहन बोल रही थी कि सुबह में जो है ना पुलिस नहीं रहेगी, और अगर आप जो है ना किसी काम से जाते हैं तो जा सकते हैं, इसलिए जो है ना मैं चली गई थी। लेकिन बहुत डरते डरते मैं गई थी, और जाने के बाद जो है ना पूरी फुल मार्केट में जो है ना जो बैरिकेड्स होते हैं ना वो सारे जो है ना पुलिस वाले लगाकर बैठे हुए थे। जस्ट मुझे पता नहीं कि वो लोग सो गए थे या फिर जो है ना उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी क्या था, लेकिन पुलिस वाले एक भी नहीं थे, अगर एक भी पुलिस होती ना तो फिर पकड़ लेते। तो इस तरह की यहाँ पर हालत है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है, चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकती, इसलिए जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ हैं। 8 दिन से जो है ना हम लोग थोड़ा सा दावतों में बिजी थे, कल भी हम लोग एक दावत में गए थे, तो इसलिए जो है ना रात को लेट आए हैं, और थोड़ा सा ना इसकी वजह से मेरी आंखों में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ी सा ना मेरी आंखों में थकान सी है, तो ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बिज़ी चल रहे हैं, और यहाँ की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक हैं। मैसेजेस आ रहे हैं, इमाम की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसे लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।